मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा अकाउंट अफिलिएटेड है और रजिस्टर्ड है। अगर आप मेरे अकाउंट से आएंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन बोनस भी मिलेगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा कि आप लोगों ने कहाँ से वो लिंक लेना है, और शटरस्टॉक पे अपना अफिलिएट अकाउंट जहाँ से आप अर्निंग्स कर सकें वो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप शटर स्टॉक के ऊपर कंट्रीब्यूटर अकाउंट बना के किस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम लोग शटर स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पे आप गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे शटर स्टॉक। यहाँ पे तो आप नॉर्मली जो है शटर स्टॉक को ओपन कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने अर्निंग्स करनी है कैसे, उसका तरीका मैं आपको आज की इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे शटर स्टॉक लिखा हुआ है, आगे आपने लिख देना है कंट्री ब्यूटर। ओके, जब आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे शटर स्टॉक का अकाउंट आ जाएगा कंट्रीब्यूटर वाला, जो आप लोगों ने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से अर्निंग्स जनरेट करना शुरू कर देनी है। यहाँ पे आप देखें, नॉर्मली आप शटर स्टॉक को ओपन करेंगे तो इस तरह से वो आपको शो नहीं करेगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा अकाउंट अफिलिएटेड है और रजिस्टर्ड है। अगर आप मेरे अकाउंट से आएंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन बोनस भी मिलेगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा कि आप लोगों ने कहाँ से वो लिंक लेना है, और शटर स्टॉक पे अपना अफिलिएट अकाउंट जहाँ से आप अर्निंग्स कर सकें वो बनाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल है इसका प्रोसेस बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे चेक कराऊँ अपना कंट्रीब्यूटर अकाउंट, इसको लॉग आउट करके, तो आप लोगों ने सिंपल एक छोटा सा मेथड है उसको फॉलो करना है। जस्ट एक मिनट। ओके, यहाँ से आप लोगों ने कर देना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आप, इस तरह की विंडो के ऊपर आएंगे। पहले गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सिंपली अपना फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे जो आपने नाम डिस्प्ले करना हो, जैसे कि मैं करूँगा जी मेरा अगर नेम जहाँज़ेब है तो जहाँज़ेब 607 या कोई भी और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँगा। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को चेक मार्क करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड कर देंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लॉग इन कर देता हूँ कंट्रीब्यूटर अकाउंट को। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है जो कि मैंने अभी आपको बताया। इस प्रोसेस को करके आप लोगों के पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जो है अपलोड का बटन आपको नज़र आ रहा है, आप लोग पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर मोर देन 4 MB यानी कि 4 MB से बड़ी होनी चाहिए और डिटेल्ड होनी चाहिए। कैमरा, अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं, उसको थोड़ा सा लाइट इफ़ेक्ट आप दे के उसको अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे अर्निंग की समरीज आपके पास मौजूद होंगी। जैसी आपकी सेल जनरेट होगी आपकी चॉइस होगी कि आपने उसका क्या रेट फिक्स करना है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि जी आपकी 5 से 60 सेकेंड की लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि जी आपका इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए, और इमेज जो है आपकी एटलीस्ट इमेज वो एटलीस्ट आपकी 4 MB की होनी चाहिए हर सूरत में। तो ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप लोगों ने एक अगर पौधे की भी या एक लीफ की भी पिक्चर बनानी है तो वो डिटेल्ड होनी चाहिए, और आपकी फ़ोटो कम से कम 4 MB की होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसके अलावा यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप सबमिट कंटेंट कर सकते हैं, पेंडिंग कंटेंट जो आपने टाइमर पे लगाया होता है, यानी कि आप चाहते हैं कि जी अगले दिन या फिर इस टाइम अपलोड होना चाहिए, ये आपका वो वाला कंटेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका रिव्यूड कंटेंट होता है, जब आप कंटेंट को अपलोड करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो शॉर्ट टाइम के लिए रिव्यू में चली जाती है। जैसे ही वो रिव्यू होकर कंप्लीट होके आती है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिव्यूड कॉन्टेंट की डिटेल्स आ रही होती हैं। यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर है, जो आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह को अपलोड किया होता है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अपना कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कलेक्शंस आ जाती हैं।
तो मेन बात यही है कि आप लोगों ने करना सिर्फ ये है, अपने मोबाइल को उठाना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पकड़ना है, आप सर्टिफाइड अकाउंट से जाएंगे तो आपकी भी अर्निंग्स जनरेट होंगी, आपको रेफरल बोनस इंस्टेंटली मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे। तो जल्दी से जाएं, देर करने की ज़रूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक करें, कंट्रीब्यूटर अकाउंट को आप लोग जो है जैसे तरीका बताया इस तरह से क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद अपनी अपलोडिंग स्टार्ट करें, आज ही से काम शुरू करें, सिर्फ मोबाइल उठाएं, पिक्चर्स बनाएं और बताए गए तरीके से रजिस्ट्रेशन करके पिक्चर्स को अपलोड कर दें, कंटेंट रिव्यू हो के आएगा अपलोड कीजिएगा और उसको पब्लिश कर दें, जस्ट इतना शॉर्ट सा काम है। और आप बिलीव नहीं कर सकते कि आपको बैठे बिठाए $5-5 की ट्रांजेक्शन्स आ रही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।